भाई यार मुझसे नहीं हो पाएगा ये चैलेंज। दिल्ली जैसे शहर में 24 घंटे बिताने हैं और इसलिए मैंने चैलेंज लिया लिविंग ऑन अर्न फ्री फूड फॉर 24 आवर्स चैलेंज, जिसमें मैं फ्री फूड मांगूंगा नहीं, फ्री फूड कमाऊंगा। रिक्शा चलाने से लेके वेटर बनने से लेके चाय बेचने से लेके वो सारे काम करूंगा जिससे मुझे बदले में फ्री फूड मिले। तो आइए चैलेंज शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैं चैलेंज कर पाता हूँ या नहीं। मेरे पास है 24 घंटे, जेब में नहीं है एक भी आना, पर मेहनत करके है खाना, लेट्स गो। तो भाई निकल तो चुके हम दिल्ली जैसे शहर में। अरे भाई क्या हाल है? बढ़िया हो? हाँ बढ़िया भाई, बढ़िया। तो भाई पहला बंदा मिल गया हमें, ठीक है भाई कुछ खिला दोगे यार? बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जेब में एक भी रुपए नहीं है, बट मैं आपके लिए ना कुछ काम करूंगा जो आप चाहोगे, ठीक है? कुछ है खिला दोगे? पैसे नहीं है भाई? भाई बताओ, पैसे ही नहीं है यार, नकली आदमी हो यार आप तो। चलो ओके मिलते हैं। तो भाई भाई में तो नहीं दे पैसे, कोई और बंदा ढूंढते हैं, देखते हैं कि भाई चैलेंज कैसे हो पाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। भाई मेरे पास ना 24 घंटे हैं, जेब में एक भी रुपए नहीं है, बट कुछ खाना है, कुछ कमाना है, तो कैसे करूं? देखो भाई ऐसा है ना कि लाइफ में स्ट्रगल तो करना पड़ता है, संघर्ष के बिना कोई जीवन नहीं है। संघर्ष ही वो कामयाबी की मंजिल होती है, जिसकी पहली सीढ़ी अपन चढ़ेंगे तो आगे गॉड्स बिलीव कामयाबी जरूर मिलेगी। क्योंकि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कॉन्फिडेंस इतना रखना चाहिए, आई मीन अपने ऊपर, कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो जरूर पॉसिबल है वो। भाई ने ऐसी बात बोली है ना, मेरे कुछ भी समझ नहीं आई, मजाक कर रहे हो भाई, बट भाई ने बता दिया कि एक मेहनत करो, आप ये कहना चाह रहे हो ना? ओके भाई भी मेहनत कर रहे हैं, देख लो भाई। भाई अंकुश भाई कुछ खिला दे यार। यहाँ तो चैलेंज करने आएगी क्या ऐसे मतलब? यार कुछ मिल ही नहीं रहा भाई, मैं क्या करूँ भाई? मैं तो तेरा साथ देने आया हूँ। अच्छा मेरे पास पड़े हुए पैसे। अरे भाई कुछ खिला दे यार। भाई यार मैं तो खाऊंगा पर तेरे को चिढ़ाऊंगा यार, ये बड़ा सही है इसका। एक बाइट तो खिला दे भाई यार। नहीं, नहीं, नहीं। ओ भाई मेरी फेवरेट जलेबी यार। भाई मेरी खुद फेवरेट है यार ये ओल्ड जलेबी वाला भाई, पर मैं पैसे देके खा रहा हूं। मेरे मुंह तो पानी पानी हो रहा है भाई। तू खा अपनी जलेबी, मैं कमाता हूँ भाई अपनी जलेबी। आ जाओ भाई तुम, इसको खाने दो। भैया कैसे हो? भैया मेरे पास ना पैसे नहीं है, कुछ खिला दोगे? बट भैया एक शर्त है, मैं फ्री में नहीं खा सकता, मेरे को कुछ ना कुछ आपके लिए काम करना पड़ेगा। क्या काम कर रहे हो? मेरे पास काम नहीं कर रहे। कुछ तो होगा भैया काम? कुछ नहीं है, बस जो काम कर रहा है मेरे का। एक काम करूँ आपके लिए, कस्टमर आपकी 10 प्लेट बिकवा दूँ, फिर एक प्लेट दे दोगे फ्री? बताओ पक्की बात है, कह रहे हो? भैया एक प्लेट खरीद सकते हो भैया? तो भाई अब बिकवाते हैं भैया की जल्दी जल्दी प्लेट। भाई एक आप ही खरीद लो यार प्लीज। ले लोगे पक्का? तो भाई एक प्लेट भेज दिया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। भैया 2 प्लेट खरीद लो यार इनसे यार प्लीज, मेरी एक प्लेट फ्री हो जाएगी, एक्चुअली हम ना चैलेंज कर रहे हैं। तो भाई देखो तीन प्लेट कितनी ले रहे हो आप? 2 प्लेट ले रहे हो, तो भाई ये लो 2 प्लेट बिकवा दी भैया की। तो 6-7 प्लेट तो बिकवा दिया। हेलो भाई कैसे हो? तो एक और ना भाई। तो भैया कह रहे 6 प्लेट बिकवा दिया ना, तो वैसे ही खा लो एक प्लेट, पक्की बात है? पक्की बात है यार, ऐसी बात कर रहे हो भैया। तो भाई सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट तो मिल गया यहाँ पे, मजा आ गया भाई। भैया कैसा लग रहा है, 6 प्लेट बिकी? अरे भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे लग रहा है मेरे पे है शनि भारी। भाग गए भैया तो यार। भैया भाग क्यों गए यार, ये तो भैया से पूछना पड़ेगा। भैया भाग क्यों गए? पुलिस वाले आ गए। तो भैया कह रहे पुलिस वाले आते तो भाग जाते हो? अब मेरा यार ब्रेकफास्ट दे दो यार। तो भाई भैया ने दे दिया यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट। भाई भैया कैसा लग रहा है आपकी 6 प्लेट बिकी, हंसी मजा आया नहीं आया? मजा आ गया। तो भाई भैया को तो आ गया मजा यहाँ पे, तो इतनी मेहनत के बाद कुछ तो मिला आखिरकार खाने को, तो कुछ ना कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया भाई, मजा आ गया। ये है यहाँ की आइकॉनिक पराठे वाली गली, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे कुछ काम मिल जाए और कुछ ना कुछ, समझ रहे हो ना बस, तो देखते हैं। तो भाई यहाँ पे तो हम पहुंच चुके हैं और ये रहे हमारे भैया। कैसे हो भैया? बढ़िया, बहुत बढ़िया।
भैया हमने एक चैलेंज कर रहे हैं जिसमें ना हमें फ्री में खाना है, बट ना 24 घंटे में हमारे पास पैसे नहीं है, बट हमें ना उसके बदले में कुछ ना कुछ काम करना है, तो कुछ काम मिलेगा? मिल जाएगा, पर कुछ खिलाना पड़ेगा। पक्की बात है, पैसे नहीं है। तो भाई भैया तो मिल गए यहाँ पे, भैया काम क्या करना पड़ेगा? खाना खाने के बाद ही बताएंगे। नहीं नहीं, पहले करना पड़ेगा भैया, चक्कर यही है। थोड़ा सा कस्टमर को अटेंड करना पड़ेगा। अच्छा, और थोड़ा टेबल पे कपड़ा उपड़ा लगाना पड़ जाएगा। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। ये कौन से काम भाई? भाई सबसे हार्ड काम मिला, भैया कह रहे हैं कपड़ा उपड़ा मारना पड़ेगा और कस्टमर को अटेंड करना पड़ेगा। आपका जो पहला टास्क है वो ये है कि सब जितने कस्टमर बैठे हैं अंदर, उनसे लस्सी पूछनी है, पूछना सब्जी चाहिए या नहीं चाहिए या पराठा कौन सा खाएंगे। ओके, जाके पूछिए। चलो भाई करते हैं भाई। हाँ जी मैम, सब्जी वब्जी चाहिए कुछ? नहीं। कुछ नहीं, मेरा नाम छोटू है, मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चाहिए बता देना। हाँ जी मैम, कुछ चाहिए आपको? पराठे की? अरे भाई पराठा नहीं आया अब तक यार, क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए सर? ठंडा गर्म कोल्ड ड्रिंक चिप्स? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो भाई पहला ऑर्डर देने जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी मैम, ये आपका पहला गोभी का पराठा, ऊपर वाला। नीचे वाला पता नहीं किसका है। तो भाई दो पहला ऑर्डर तो दे दिया यहाँ पे, अब देखते हैं आगे करते हैं। हाँ जी सर, आपका ऑर्डर। आप पानी बोतल है? पानी की बोतल। तो एक पानी की बोतल का ऑर्डर है भाई, पानी की बोतल। तो भाई ये तो मिल गया काम कुछ। लो सर पानी की बोतल आपकी। और कुछ एनीथिंग है सर? आपका पांचवा पराठा आ गया मैडम। मैडम की डाइट काफी अच्छी है। सच्ची में भैया बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं आपके लड़के। काम तो आपने कर लिया। हाँ जी, कुछ फल खा लो। फल? कौन सा फल? मैं तो पराठे खाने आया हूँ। पराठे? हाँ मतलब वो फल स्वरूप पराठे ही आप चलिए। कोई सा भी पराठा खा सकते हो इसमें से? कोई सा भी खाओ, आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुरचन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, हरी मिर्ची का, बेसन मेथी का, खुरचन का, गुड़ का, हर किस्म का पराठा मिलेगा। भाई कितने सारे पराठे हैं यहाँ पे। भाई मेरा तो आप आलू लगा दो, मेरे आलू, नॉर्मल आलू। भाई छोटू अपनी ड्यूटी से ऑफ ले रहे हैं, अब मैं कुछ खाऊंगा। क्या बात है भाई, इतना जबरदस्त सा लंच मिल जाए, इससे बढ़िया बात क्या होगी, वो भी चांदनी चौक की स्पेशल पराठे वाली गली में। भाई जबरदस्त, बट भाई लंच में भाई मेरे को इसी की क्रेविंग थी बहुत टाइम से, और यही चीज मिल गई, मजा आ गया भाई। मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। ओए होए होए, गर्मा गर्म है जी, बहुत गर्म है। हाँ भाई अंकुश, खाना है क्या? अब भाई अंकुश बैठा है साइड में और मैं ले रहा हूँ भाई मजे, क्योंकि अंकुश के पैसे खत्म हो गए इतना सारा। तो भाई खाते हैं। कैसा लगा पराठा? यम्मी माय चम्मी। ओके भैया, थैंक यू फॉर द लंच। तो भाई आगे बढ़ते हैं चैलेंज के लिए, और आगे देखते हैं कि भाई कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा हमें। और कैसे हो भैया? बढ़िया भैया। भैया क्या चीज़ है, एक बार हमारे लोगों को बताइए। ये सर दौलत की चाट। दौलत की चाट? पैसे ऐसे आ जाएंगे इसे खाने से? सर हो सकता है। हो सकता है? ओह भाई फिर तो खाना पड़ेगा। एक्चुअली में भैया हम ना चैलेंज कर रहे हैं, हमारे पास ना पैसे नहीं है, हम कंगाल है इस समय, बट हम ना फ्री में नहीं खा सकते, हमें कुछ ना कुछ आपके लिए काम करना पड़ेगा। तो कोई काम है मान ले? कुछ नहीं, आप खड़े हो जाओ सर हमारे पास। अरे नहीं, 5 मिनट खड़ा होना, 2-4 पत्ते लगेंगे, एक पत्ता आपका। फिर भी भैया कुछ काम हो? काम सर क्या काम? कस्टमर बुला दूं आपके लिए? बुला लो जो मर्जी। पक्की बात है? बिल्कुल। आप फिर खिला दोगे? बिल्कुल खिला देंगे, 2-4 प्लेट बेको, 1 प्लेट फ्री। पक्की बात है? तो भाई भैया कह रहे 2-4 प्लेट भेज दो, 1 प्लेट फ्री। तो भाई भेज देते हैं, ये तो कर देंगे भाई। लगाओ भैया आवाज लगाओ, तभी तो काम चलेगा। आइए आइए, दौलत की चाट, दौलत की चाट। तो भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ, एक के साथ एक फ्री है, जल्दी आ जाओ। एक फ्री तो बर्बाद करोगे यार। भाई कस्टमर बुलाने को बोला, कैसे मर्जी बुलाऊं। बुलाओ मैम, आइए दौलत की चाट आइए सर। हाँ जी सर खाइए आइए, एक प्लेट खा लो। ये मेरे खाते में भाई, ये मेरे खाते में। ठीक है भाई, मैंने कहा था ना। भैया भैया एक स्कीम बताऊँ, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ, कोने में जाओ। भैया तो चले गए, 2 प्लेट बेच दी है, 1 प्लेट और बेचनी है। तो भाई देखते हैं कैसे बेचेंगे। क्या कह रहे हो?
तीन बिक गए, हाँ पांच बेचनी है, एक फ्री मिलेगी। अब भैया ना देख लो, दो बढ़ा दिए कैमरे के सामने बोल रहे हो, दो और बेचनी है ना। हाँ। कोई नहीं, बेच देंगे यार, क्या टेंशन है। अरे पकड़ लिया मैंने। अरे भाई कैमरे में आ गए, मास्क, बिना मास्क के घूम रहे भैया। चलान कटेगा, आधा घंटा हो गया ऐसे खड़े खड़े और एक भी प्लेट नहीं बेच पाया। मतलब तीन तो शुरुआत में बिक गई पर दो के लिए तो आधा घंटा हो गया खड़े खड़े। कस्टमर कैसे बुलाना है? दोनों तीन चाट ले दी खाएंगे। ऐसे बोलो, मतलब ये क्या करते हैं? ऐसे करते हो ना, सच्ची बताना। भाई इनके हाथों में ऐसा जादू है, ऐसे कस्टमर अट्रैक्ट कर लेते हैं ये। दिल्ली आए और दौलत की चाटनी खाई तो क्या खाई? खा लो फिर भाई एक फटाफट जल्दी से। तो भाई कितनी सारी रिजेक्शन मिलते जा रहे हैं, रिजेक्शन मिलते जा रहे हैं। आंटी जी नमस्ते, नमस्ते। दिल्ली आए और दौलत की चाटनी खाई तो क्या खाई? जल्दी से खा लो एक प्लेट। बर्त है भाई, मुझे लग रहा है भाई यहाँ दौलत की चाटनी मिलने वाली मुझे, मेरे किस्मत में नहीं है। मिलेगी। हाँ जी मैम, दिल्ली आए और दौलत की चाटनी खाई तो कुछ भी नहीं खाया। एक प्लेट खरीद लो मैम, हम ना चैलेंज कर रहे हैं, खरीद लो। ये मेरे भी आप पे खरीद लो, ठीक है? पक्का भैया? ले रहे हैं। कितनी प्लेट ले रहे हो भैया? एक प्लेट यानी एक प्लेट और रहेगी। मैम कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अगर आप खरीद लोगे तो कुछ बन जाऊंगा मैम। तो भाई फाइनली सारी प्लेटे भेज दी भाई। और भैया कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया भाई। भैया क्या करा दी, पांच छह प्लेटें बिकवा दी, ठीक है? एक प्लेट बना रहे तुम्हारी। चलो भाई, इतनी मेहनत के बाद फाइनली कुछ मिला, कुछ बढ़िया, और जो मेरा फेवरेट भी है, तो मैं इसके लिए मैंने भाई डबल मेहनत कर दी। मैं पार्सल दिखा दूँ आपको, ये देखो भाई, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है ये और मज़ा आ जाएगा। तो भाई शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे होता है मेरा चाय का वक्त, तो यहाँ पे हमने एक अंकल जी को पकड़ लिया। अंकल बोलो साहब, आज का आपका काम हम करेंगे, सारी चीज़ हम बेचेंगे आज। ठीक है साहब, ठीक है। पर हमें बदले में ना चाय पिलानी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। और पैसे नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं सब, देने वाला ऊपर वाला है। क्या हुआ? बेच दे फिर आपकी चाय। इंसान मायने रखता, पैसा मायने नहीं रखता। क्या ये स्पेशल चॉकलेट वाली चाय है, पी ली ना आपने, खुश हो जाएगा आपका दिल। लगा दूं एक कप? नहीं, पी लो यार, जल्दी पी लो, फिर मिलेगी नहीं ऐसी चाय। आ रही हंगरी कहाँ से मिल रही है, पी लो फटाफट। बहुत पी ली यार। अरे यार पी नहीं रहे भैया यार चाय, एक तो ले लो यार, आप ले लो चाय, तो नशा है इंडिया में, चाय नहीं पी रहे आप यार, एक तो ले लो, ये नशा है ये, तो चाय दो। सुबह उठते ही शाम में ज्यादा पी रखी है। अरे यार कोई पी नहीं रहा। अंकल कितनी मेहनत करते हो यार आप? सुबह से मेहनत ही करते हैं सब भाई। रियलिटी में यार इतना सारा वजन लेके घूमना और सारी चाय बेचना कोई आसान बात नहीं है भाई। ऐसा हो या नहीं हो, उनको फ्री में हम चाय देते हैं। फ्री में भी देते हो? देते हैं यार, क्या देने वाला ऊपर वाला है। अरे वाह, तो भाई चाय पियोगे? क्या जिम करते हो? चाय नहीं पीते? ये अलग बंदा भाई, कह रहा जिम करता हूँ चाय नहीं पीते। तो भाई पहली चाय बेच दिया यहाँ पे, दूसरी चाय ये भैया पी रहे हैं, ठीक है फटाफट। तीसरी चाय भैया पी रहे हैं, भैया चाय पियोगे? अरे ना भाई, पी लो यार, चॉकलेट वाली चाय है। क्यों? तो अंकल मैंने कितनी चाय बेच दी? आपने चार चाय बेच दी हमारी। तो भाई चार चाय बिकवा दी, अभी और बिकवाते हैं अंकल के, आज सारी चाय सेल करा देंगे। तो भाई छोटा सा सब्सक्राइबर, अच्छा चैलेंज नहीं कर रहे, तो छोटा सा भाई मिला है। वीडियो देखते हो? कौन सी देखी है? बहुत सारी देखी है। चाय वाली भी देखी है, डोसा 10 फीट वाली, वो बाहुबली थाली वाली। अरे वाह, सब देखता भाई ये तो। चाय पकड़ लेती हूं मजे का। चाय पीनी है? नहीं मैं नहीं पीता। अरे यार छोटा बच्चा है ना, दूध पी दो। ओके चलो, ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय। लो भैया 1.5 लाख रुपए की चाय, ठीक है? अब तो अंकल के 5-6 कप तो हमने बेच दिए और यहाँ पे हमें कुछ अलग दोस्त हमें मिले हैं। दिस इज वेरी ट्रेडिशनल टी, यू वांट टू ड्रिंक? अरे हम तो चाय वा पिया। हम चाय पी लिया। हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, ये क्या? चाय पियोगे? चाय हम तो चाय नहीं, मत ये चाय मत, चाय पियो यार, आपको तो हिंदी आती है। अरे वाह, ये तो शौक हो गया। उसकी दो
ओ भाई नहीं नहीं चल नहीं हम नहीं मानता तुम पियो आप मैं तुम्हें चाय पियो नहीं पियो हाँ हाँ पियो पियो पीलो फ्री क्या है अरे कैमरा का अच्छा ये बताओ मेरे पास ना 24 घंटे हैं पर मेरे पास पैसे नहीं है आई डोंट हैव मनी हमारे पास तो पैसे नहीं है यार देखो तुम्हारे पास भी नहीं है भाई अरे भाई पैसा नहीं है यार अच्छा मोटा मोटा पैसा रखा हुआ है सही है सही है ओके भाई चाय पियोगे आर यू हंग्री या आई एम सब्सक्राइब ओके थैंक यू ओ भाई ये एपिक था भाई ये चीज एपिक थी चलो फाइनली भाई चाय पीने को मिली हमें यहाँ पे तो भाई जो इंडियंस होते हैं ना उनको शाम के वक्त चाय चाहिए और भाई जबरदस्ती चाय मिल जाए अंकल के हाथों की तो भाई मजा आ जाता है और अंकल अगर आपको चांदनी चौक पे कहीं भी मिले तो इनसे चाय जरूर खरीदना भाई जबरदस्ती बनाते हैं अंकल का पूरा डिब्बा बिकवा दिया आज ठीक है अंकल खुश हो बिल्कुल सर कुछ कहना चाहोगे हैप्पी आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी लगा आप आने से मुझे बड़ा खुशी हुई मैं चिल्ला चिल्ला कर चाय बेच रहा था आपके वजह से बहुत हेल्प होगी ना तो भाई हमारा चैलेंज का मेन मोटिव ये था कि लोगों की हेल्प भी हो जाए और चैलेंज का चैलेंज हो जाए और साथ में हमारी भी थोड़ी सी मौज हो जाए ठीक है यहाँ से तो हमारा हो गया काम चाय बेच दी और हमने क्या बेचा आज हमने बेचा पराठे भी बेचे टेबल साफ करा ऑर्डर लिए तो बहुत सारी चीज़ें एक दिन में कर ली मतलब बहुत सारी ड्यूटीज होती है ना तो सारी एक दिन में कर ली बट मज़ा आया 25 दिन में पैसा डबल अभी दिन खत्म नहीं हुआ है भाई कैसे रुक गया तू हमेशा ही पोल मार रहे हैं भाई मुझे भी पता है अभी दिन खत्म नहीं हुआ है बट मैं फील ले रहा हूँ यार मैंने अभी तक मतलब मेरे हिसाब से मैंने अच्छा किया भाई आप बताना कमेंट्स में मैं कैसा कर रहा हूँ बट अभी हमें कुछ डिनर करना है चाय हमने पी ली है तो अब हम डिनर ढूंढेंगे बट हमें अपना लोकेशन चेंज करनी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा या रिक्शा या ऑटो तो चलते हैं वो भैया के पास चलो आयो तो अभी देखते हैं कि भाई एक रिक्शे वाले भाई से बात करते हैं हमारे हाँ जी भैया कैसे हो ठीक हो भाई यार हमने एक चैलेंज कर रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है हमें फतेहपुरी तक छोड़ दोगे आ जाओ पैसे नहीं है बट कोई बात नहीं आ जाओ पक्की बात है कह रहे हो हाँ आ जाओ देख लो कैमरे के सामने हाँ कोई बात नहीं आ जाओ तुम बैठो तो सिर्फ मैं छोड़ दूंगा पैसे नहीं लूंगा भैया कह रहे भाई पैसे नहीं है कोई बात नहीं बट छोड़ देंगे क्या बात है भाई दिल तो भाई बैठता हूँ भैया के पास भैया फतेहपुरी के वहाँ तक छोड़ देना ठीक है ठीक है आ जाओ चलो ओके तो भाई यहाँ तक जो है हम बैठ गए हैं भैया चालू कर दो भगा दो एकदम 100 की स्पीड भैया मैं ये तो आपको बताना ही भूल गया कि हम फ्री में नहीं बैठ सकते कुछ ना कुछ हमें काम करना होगा तो कुछ काम है हमारे लिए काम यही है भर दिन मैंने रेस्क्यू चला के थक गया ठीक है मैं बैठता हूँ आप चलाइए थोड़ा सा मतलब आप पीछे बैठोगे मैं चलाऊंगा हाँ। मजा आ जाएगा मजा आएगा तब चलो भाई नया चैलेंज मिला है भैया कह रहे हैं कि आज मैं पीछे बैठूंगा और तुम ना आके रिक्शा चलाओ तो कुछ अलग होगा क्यों भैया यही करना ना सिर्फ हाँ यही करना पैसे नहीं लोगे नहीं पैसे नहीं पैसे नहीं लग रहे ना भाई नहीं पैसे नहीं तो भाई भैया हो जाओ अपने ट्रांसफर मैं इधर आ जाता हूँ आइए तो भैया मजा आ जाएगा ना कि आज मैं आपके लिए चलाऊंगा हाँ मैं इस सीट में कभी अपने से बैठा नहीं अच्छा अभी अपने रिक्शे में कभी नहीं बैठे नहीं कभी मैंने चलाया पहले पहली बार बैठे हो आज हाँ मतलब भर दिन तो मैं चलाता हूँ सर बैठने का मजा कभी पता ही नहीं लगा आज पता लग रहा बैठने का मजा मुझे खुद भैया बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बैठने में और भाई चांदी चौक में भाई रिक्शा चलाने का अलग ही मजा भाई इतनी भीड़ भाड़ रहती है ना भाई आप 10 मॉल में जाओगे ना इतनी भीड़ नहीं मिलेगी इतनी आपको चांदी चौक में यहाँ पे देखने को मिलेगी और चांदी चौक का जायका एक नंबर आज बैठ कर ऐसा पता लगा पता ही नहीं लगा मेरे रिक्शा वाला अच्छा भाई हम पहुँच गए अपनी ये फरीदपुरी पे तो भैया कैसा लग रहा है मजा आया पीछे बैठ के बहुत मजा आया याद रखेंगे अच्छा ड्राइवर हूँ मैं ड्राइवर अच्छा याद रखूंगा मजा आ गया कभी बैठे हो आप ऐसे नहीं इस रूट पे तो नहीं बैठा हो आज पहला दिन बैठा थैंक यू सो मच भैया आपने हमें फ्री में छोड़ा पहली बार और मेरे को बस लगे कि मजा आया भैया को थैंक यू सो मच भैया ठीक है तो भाई अब आगे बढ़ते हैं रात काफी हो गई है बात काफी हो गई है और मेहनत भी काफी हो गई है अब हमें ढूंढना है पेट भर के खाना यानी डिनर और भाई ये डिनर कहाँ मिलेगा भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो भाई ढूंढते हैं हमारा फाइनली डिनर कहाँ होगा बहुत बढ़िया चांदनी चौक यार आ जाओ बात काफ़ी हो चुकी है तो भाई बहुत टाइम से मैंने ढूंढा यहाँ पे कुछ मिल जाए बट कुछ नहीं मिला भाई यहाँ पे आप देख रहे हो रात के 8:30 करीब 9 बजने वाले हैं और अभी तक मुझे डिनर नहीं मिला है ढूंढे ही जा रहा हूँ भाई मुझे ये समझ आ गया ऐसे कुछ नहीं मिलेगा थोड़ी सी जान पहचान लगानी पड़ेगी तो भाई मैं आ गया हूँ सिकंदर भैया के यहाँ पे
कैसे हो सिकंदर भैया? बढ़िया भैया, आप सुनाओ। पहचाने या भूल गए? नहीं नहीं, पहचाना तो मैं बहुत आगे तक हूँ, ऐसे नहीं है। आप पुराने चेहरे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भैया हम ना कुछ चैलेंज कर रहे हैं, उसमें क्या है ना 24 घंटे हमारे पास हमें फ्री में चाहिए, बट उसके लिए ना हम मेहनत करेंगे, कुछ कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, हम फ्री में हम नहीं ले सकते मतलब। चलो जी कोई बात नहीं, चैलेंज तो अपनी जगह है और फ्री में मैं दूंगा भी नहीं आज आपसे, बिल्कुल आपसे बिल्कुल काम कराऊंगा अच्छी तरीके से, मजा आए काम कराने। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 15 सेकंड के अंदर मुझे मक्खन की डिक्की ला के देनी है 100 ग्राम वाली। कहाँ से कहाँ से कहाँ से? ये सामने से ले आइएगा 15 सेकंड में, बहुत बड़ी बात। ये भैया मेरे को चैलेंज दे रहे हैं आज, मतलब मैं आपको 15 सेकंड में दे रहा हूँ, आप ला के दिखाइएगा। मैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर आगे अगला टास्क दिखाएंगे, देखेंगे फिर आप मेरी जगह होंगे, आप मेरी जगह मैं आपकी जगह। अच्छा वो भी देखेंगे आप 15 सेकंड में मेरे को अमूल की टिक्की ला के। ठीक है ठीक है भैया, ठीक है। कहाँ से लानी? सामने से ना? सामने से लानी है, ज्यादा दूर नहीं, मैं भेज रहा हूँ 15 सेकंड का समय। ठीक है, टाइम अप कर रहा हूँ मैं, ये टाइम अप। जाइए सर। सेकंड में ले आए, 15 सेकंड अभी पूरे नहीं हुए, भैया बिल्कुल ये टास्क जीत चुके हैं। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, भैया जीत चुके हैं। तो हाँ जी सर, मेरा नेक्स्ट चैलेंज क्या है आप बताइए? अब आपका नेक्स्ट चैलेंज ये है, मेरे लिए आप बनाएंगे हाफ फ्राई। ओके, अगर आप जीतते हैं तो मैं आपको कहूंगा खिलाऊंगा यहाँ की लाइफ टाइम बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियां और बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट, अगर आप मेरे लिए बना के खिलाते हैं हाफ फ्राई। तो लाइफ टाइम क्या है मतलब? लाइफ टाइम सारी वैरायटी खिलाऊंगा मैं, लाइफ टाइम फ्री। लाइफ टाइम फ्री? लाइफ टाइम फ्री, पक्की बात है? कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेफ हूँ, आप मतलब मेरे को ऐसे नौ सीखे समझना? नहीं नहीं नहीं, ये तो बनाने पे पता लगेगा कौन शेफ है, या तो मैं कलाकार या आप कलाकार। नहीं, मेरे से बड़ा कलाकार तो इस चीज में आप हो। वैसे चाहूंगा कि आप मुझे एक हाफ फ्राई खिला दें, फिर मैं मानूंगा। बहुत चैलेंज मैंने देखे हैं, बिल्कुल आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप करके दिखाएं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। चलो गैस ऑन और बाकी काम आपका। चलो ठीक है भाई, तो भाई भैया देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे आज बनाना है इनका हाफ फ्राई। ठीक है, सबसे पहले डाल दीजिए यहाँ पे मक्खन की टिक्की इनकी। ठीक है, तो भाई क्या खाओगे? हाफ फ्राई खाओगे? हाँ हाफ फ्राई। चलो बिल्कुल लाजवाब, जैसे मैं बनाता हूँ वैसे आप बनाइए। चलिए, ये दो डबल योग के मैंने आपको अंडे दिए हैं। अच्छा, जो मेरा खाने का शौक है मैं वही खिला रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए जी भाई, फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने रेडी है। ये रहा जी यहाँ पे बढ़िया सा हाफ फ्राई, और ये हो गया जी यहाँ पे हाफ फ्राई रेडी। तो हल्का सा हम डाल रहे हैं इसमें बॉयल एग, और ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे हम इस पे धनिया की। ये हो गया जी यहाँ पे, और सर आपकी कैचअप का है ये कैचअप। फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी आपके सामने। ठीक है, तो भैया ने कहा आज अपने हाथ का खिलाओ, कुछ स्पेशल खिलाओ, कुछ बढ़िया खिलाओ, और थोड़ा कुछ बनाया है, कोशिश करी है। तो भैया ये रहा आपके लिए पेश है, आप ये तो जीत गए रहेंगे लाइफ टाइम खिलाने की बात, बाकी मैं इनको अच्छी अच्छी चीजें खिलाता रहूंगा और ये मेरे पास आते रहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल वेरी वेरी टेस्टी। बिल्कुल जी, चैलेंज बड़ा प्यारा लगा मुझे। हाँ जी, थैंक यू जी। अरे सर अच्छा टेस्ट, ठीक है जी, ट्राई करके बताइए कैसे है। ये बात जरूरी है, ट्राई करके बताइए। एक दुकान था बड़ी प्यारी चीज है। हाँ जी, वो एक टेस्ट आज सर की दुकान पे ही सर के सामान के साथ ही बट बनाया मैंने। देखो सर, मैं कहूंगा पहले टेस्ट मैं लूंगा, बाद में टेस्ट मुझे पता लग जाएगा क्या चीज है। हाँ जी, आर यू हंग्री? क्या से खा रहे हो? क्या लग रहा है सर? आपको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। सर ऐसे टेस्ट आएंगे, मैं सोच रहा हूँ शिफ्ट हो जाता हूँ। अच्छा भी नजर, मैं कहूंगा एक आधा टेस्ट आपको भी देना चाहिए सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलो सर। अच्छा, मुझे लगा खिला रहे हो। नहीं नहीं खिलाएंगे नहीं, मैं प्यार से खिला रहे हैं यार। तो भाई आ चुका है हमारा यहाँ पे फाइनली हमारा डिनर। ओ भाई साहब, भाई एक बारी पास से दिखाइए हमारा डिनर कितना गजब सा है। भाई मैं यहाँ बैठा हुआ इसलिए हूँ कि मैं थक गया हूँ, एक बारी आप मेरा डिनर देखिए भाई आज का, क्या जबरदस्त सा डिनर है भाई, वो भी आप देख रहे हो। और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा, अगर आप आते हैं ना यहाँ पे सीताराम बाजार में, तो भाई यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं, और पर्सनली मैं यहाँ का फ़ैन हूँ, आई एम लिटिली भाई। तो ट्राई करता हूँ, मज़ा आ गया भाई, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और अभी आगे का भी देखना है। जब तक मैं ये ख़त्म करता हूँ, ठीक है, फिर उससे आपके बाद मिलता हूँ। तो भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, आई होप आपको ये वाला चैलेंज पसंद आया हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
क्या मैं ऐसे चैलेंजेस और लेके आऊँ। फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया। और भाई रात भी काफ़ी हो चुकी है, शब खैर।